इरफान, जी मामा, ये लो भाई, कार्ड आया तुम्हारे लिए। किसका कार्ड है? मोना की शादी का कार्ड है। मोना की? नहीं नहीं उसकी तो बहन हॉस्पिटल में है, अभी शादी कैसे है? इरफान, ये बात तो तुम उसी से पूछोगे ना। मैं उसे कॉल करके पूछता हूँ। मैं कहती थी ना तुम्हें कि ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन नहीं, तुमने तो माँ की बात माननी नहीं है। देख लो अपनी जिद करने का नतीजा। अरे, हीरा का रिश्ता भी हाथ से चला गया और मोना भी नहीं मिली तुम्हें, और तुम्हारे हाथ क्या आया? मोना की शादी का कार्ड। पर मामा मुझे यकीन नहीं आ रहा, मोना ऐसे कैसे? इरफान, अब इन बातों का क्या फायदा है? अब ये फजूल की बात है, रहने दो इन्हें। और देखो, वो लड़की तुम्हारे लिए मुनासिब थी नहीं। मैंने ना तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़कियां देखी हैं, लेकिन देखो इरफान, तुम एक बात का ख्याल रखोगे, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और तुम वैसे ही करोगे जैसा मैं कहूंगी तुम्हें। मामा कम से कम अभी शादी की बात तो ना करें। तुम्हें इसी डिप्रेशन से निकालने के लिए तो मैं शादी की बात कर रही हूँ। अरे, एक लड़की की माँ तो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी है। बहुत जल्दी ना मैं इन दोनों में से किसी एक को फाइनल करती हूँ। तुम मेरी बेटी का कातिल हो, तुमने मारा उसे। अब क्या कह रहे हैं अंकल? समीर की मौत पे मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं कुछ नहीं किया उसे। तुमने उसको डॉक्टर के पास जाने से रोका, उससे मुझे मना करवाया। वो अगर डॉक्टर के पास चली जाती तो उसके डिप्रेशन का इलाज हो जाता और वो बच जाती। तुमने उसको कब्र में उतारा है। मुझे नहीं पता था कि वो डिप्रेशन है। मैं सिर्फ समझता था कि वो नाखुश है। वो क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? तुमने मेरी बेटी की आहिस्ता आहिस्ता सांसें छीनी है। अगर मुझे पता होता तो मैं जबरदस्ती उसको डॉक्टर के पास ले जाता। अंकल आप सदमे में, आप प्लीज अपने आप को संभाल रहे हैं, ऐसी बातें ना करें प्लीज। केस करूंगा मैं तुम पे, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें ऐसे।